आपका हमारे YouTube में सुखराज मशीनरी एंड नानकना मशीनरी एंड मोल मशीनरी में आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे चैनल है, आपने जेकर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। हम नई नई वीडियो जो हमारी आती है आपको नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ये दोस्तों मैं आपको एक नया बिजनेस जो है ये पेपर नैपकिन वाला जो बिजनेस है ये देखिए पेपर नैपकिन बन रहा है। पेपर नैपकिन बनाने की ये मशीन है। ये एक घर की बिजली जो पंखा आपका घर में चलता है, लाइट चलता है, एक बल्ब जलता है, उसी बिजली में चल जाती है ये मशीन। और एक घर के एक रूम में देखो ये इतनी मशीन है, एक घर के रूम में ये मशीन चालू हो जाती है। ये घर के रूम में ये आप घर में जे आप बच्चा कोई भी या लेडीज़ या कोई घर में जो कोई आदमी है वो अपना बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। ये मशीन जो है ये इसमें ये देखो रॉ मटेरियल इसमें रोल लगता है, जंबो रोल इसका आता है ये वाला। ये जंबो रोल जो है 50 किलो मतलब 70 किलो 100 किलो का रोल आता है ये वाला। इसमें ये देखो रील स्टैंड लगा हुआ है, रील स्टैंड भी बहुत नई तकनीक का बना हुआ है, पूरा बैरिंग लगे हुए हैं नीचे। ये देखिए इसमें ब्रेक भी लगा हुआ है कि कागज़ फटता नहीं है, जितना मर्जी इसको टाइट कर सकते हो। इसकी अलाइनमेंट भी इधर से आप आगे पीछे कर सकते हो, इधर उधर को अलाइनमेंट भी हो जाती है। आप इधर उधर पेपर सीधा करना है इधर उधर से भी अलाइनमेंट हो जाती है, ब्रेक भी लगा हुआ है इसमें। ये बहुत मतलब लेटेस्ट तकनीक की मशीन है, नई तकनीक की मशीन है, बढ़िया जो लेटेस्ट तकनीक है अभी। ये देखिए ये यहाँ से पेपर जाता है, इधर से जाके ये इसका प्रिंटिंग यूनिट है, ये सिंगल प्रिंटिंग यूनिट है। इसमें प्रिंटिंग इसमें शाही डालती है, इसमें जो इसके नैपकिन है इसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट का नाम, कोई अपना ब्रांड कोई भी बना सकते हो, जो भी ब्रांड इसके ऊपर नैपकिन के ऊपर प्रिंटिंग हो जाता है। प्रिंटिंग होने के बाद ये देखिए प्रिंटिंग यहाँ से होएगा, फिर यहाँ से जाके ये एम्बोजिंग होएगा, ये एम्बोजिंग यूनिट है, यहाँ से एम्बोजिंग हो जाता है। इसमें जो लर्निंग एम्बोजिंग हो जाता है पूरा, ये देखिए ये आगे पेपर पे एम्बोजिंग हो गया, ये देखिए ये एम्बोजिंग पूरा हो गया। एम्बोजिंग होने के बाद ये देखिए ये आगे जाके फोल्ड होता है, ये सिंगल फोल्ड इधर होएगा मुड़ के डबल फोल्ड उधर होता है। इसमें चार फोल्ड हो जाते हैं, चार फोल्ड हो के नैपकिन बन के बिल्कुल रेडी हो के ये देखिए नैपकिन रेडी हो के इधर आता है, इधर आके ये इधर कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद ऑटोमेटिक कटिंग होता जाता है पूरा, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस उधर रोल एक लगा दिया, ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन पे अपने आप ही सारा काम होता जाना है। बस आपने यहाँ से कटिंग होने के बाद इसको पकड़ना है, जितने जितने पीस है उसको पैकिंग करना है, बस हल्का उसमें लिफाफे में पैकिंग करके ऊपर टेप लगा देते हैं बस। आप इसमें जैसे जितनी भी क्वांटिटी आपने सेट करना है, इसमें 100 पीस का या 150 पीस का 200 पीस का उतना इधर इसमें लगा हुआ है, उसमें पूरा सेटिंग कर सकते हो आप। 100 पीस का जेकर आप करते हो, जेकर 100 पीस का आपने पैकेट बनाना है, आपने इधर सेटिंग कर दिया, इसमें 100 पीस का सेटिंग कर दिया आपने, 100 पीस के बाद ये पेपर ऊपर उठ जाएगा, उसमें निशान आ जाएगा, मार्किंग आ जाएगा। 100 पीस के बाद एक पेपर ऊपर उठेगा, वहाँ से पकड़ के आपने पैकिंग कर देना, जैसे ये 100 पीस के बाद ऊपर उठाए ऐसे उतने उतने बाद में अपना पेपर ऊपर उठ जाता है। जब 50 का पीस बनाना है 100 का, उतनी उतनी मार्किंग आ जाती है इसमें। आपने 150-200 जितने का भी पैकेट बनाना है उतना पैकेट बन जाता है आपका, मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम है। आप घर में बैठे फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें ये मशीन में जो इसकी मशीन की आप प्रोडक्शन लगा लीजिए, हमने इसका प्रोडक्शन जो है डेली 2 से 2.5 लाख मतलब इसकी प्रोडक्शन है, डेली 2 से 2.5 लाख नैपकिन जो है प्रोडक्शन इसकी निकल जाती है। आप 8 घंटे मशीन चलाओगे 2.5 लाख प्रोडक्शन निकल जाएगी, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, 20-25% प्रॉफिट है। कम से कम एक दिन का 10-15 हज़ार रुपये आपका डेली आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब इसमें रॉ मटेरियल ये आपने लेना है, इसमें 2 तरह का पेपर आता है, एक हार्ड पेपर आता है, एक सॉफ्ट पेपर आता है। ये रोल जो है जंबो रोल, एक हार्ड पेपर आता है, एक सॉफ्ट पेपर आता है। हार्ड पेपर थोड़ा सस्ता होता है, जो सॉफ्ट पेपर है वो थोड़ा महंगा होता है, 10 रुपये किलो का फ़र्क होता है। मशीन के ये स्टैंडर्ड 2 साइज आते हैं, एक तो सिंगल प्रिंटिंग है, सिंगल मोजिंग है, दूसरी मशीन आती है कि डबल प्रिंटिंग डबल मोजिंग। आप डबल प्रिंटिंग डबल मोजिंग भी ले सकते हैं मशीन, सिंगल प्रिंटिंग सिंगल मोजिंग ज़्यादा लगती है वैसे मार्केट में, सिंगल प्रिंटिंग तो सिंगल मोजिंग ही ज़्यादा लगती है वैसे। आप ये थोड़ी सस्ता है, डबल मोजिंग वाला थोड़ा महंगा हो जाता है मशीन, इसलिए ये घर में आप लगा के इसको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ये नया बिजनेस आप कर सकते हो और खुद के मालिक बन सकते हो आप। आप कोई मतलब बेरोजगार हो, आप कुछ भी हो, आप पढ़ लिख के कुछ नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो आप ये बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस है ये कर सकते हो।
इसमें आप बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, और इसमें जो आपको गवर्नमेंट से भी आपको लोन लेना हो, जो आपके पास पूंजी कम है, PMEGC स्कीम से, PMEG प्रधानमंत्री रोजगार योजना से आपको इसमें लोन भी मिल जाता है, और इसमें सब्सिडी वगैरह भी मिल जाती है उसकी, और आप थोड़े पैसे लगा के, थोड़ा मतलब पूंजी लगा के आप बिजनेस कर सकते हो। और इसमें का ये इसका रॉ मटेरियल है, आपको हर मेजर सिटी, कोई भी सिटी में, बड़े सिटी में इसका रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल मिल हो जाता है। हमारे पास भी रॉ मटेरियल इसका मिल जाता है, और मेजर सिटी हर ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पे इसका रॉ मटेरियल मिल जाता है। हमारे पास ये नैपकिन वाली मशीन है, टैलेट रोल वाली, जो टैलेट रोल बनते हैं वो भी हमारे पास मशीन है। आपके पास मतलब किसी भी टाइप का रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास हर टाइप की मशीन होती है, जैसे सिल्वर रोल होते हैं, रोटी पैक करने वाला, कटिंग करने वाला, वो भी मशीन होता है, नोटबुक वाला मशीन है, स्क्रू वाला मशीन है, और हमारे पास पेपर प्लेट वाला है, मतलब नोटबुक बनाने वाला, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, हर तरह के हमारे पास अवेलेबल मशीनरी है। जैसे नेल है, स्क्रू है, बारबर्ड वायर है, जाली है, कैरोगेशन है, स्वीट बॉक्स है, मतलब ऐसे बहुत सारी हमारे पास मशीनें हैं। ऐसे हमारे पास ये देखिए हमारी इंडस्ट्री है, पूरी मैनुफैक्चरिंग हो रही है, हमारे पास बहुत सारी मशीनें ऐसे मैनुफैक्चरिंग हो रही है। इसका जो आपका ये प्रोडक्ट देखो, ये बन गया फिनिश प्रोडक्ट बन के, इसका जो आपका एक ब्रांडिंग बना सकते हो अपना, या रेस्टोरेंट नेम प्रिंट कर सकते हो, इसमें जो है ये आपका रेस्टोरेंट में सेल हो जाता है, होलसेलर होते हैं वो इकट्ठा आपका मतलब उठा लेते हैं माल, वो फिर आगे सेल करते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट है और बहुत सारे जैसे मैरिज पैलेस है, ऐसे मतलब हर जगह पे, हर जगह यूज होने वाली, हर घर में यूज होने वाली आइटम है, हर घर में ये, हर घर में रखे होते हैं, हर घर में यूज होने वाली है, हर जगह, गाड़ी में देखो, गाड़ी में भी टिश्यू पेपर रखे होते हैं, हर जगह पे ये टिश्यू पेपर यूज होता है, बस हर जगह पे यूज होएगा, आपका बहुत लगने वाली आइटम है ये। आप ये बिजनेस करके आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश के में अपने वो पूरी ख़त्म हो सकती है, बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। जेकर आप सोचते रहो तो फिर तो बेरोजगार हो, जेकर आप काम करो तो फिर बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है। आपने हमारी वीडियो जो है लास्ट तक आपने देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हमारी वीडियो जो है अपडेट आते रहेंगे, आप देखते रहा है रह करो हमारी वीडियो, उसमें बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें हमारे पास होती रहती है, आप देखते रहोगे, चेक करते रहोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मतलब आगे आपको हर तरह की नॉलेज जो है मिलती रहेगी आपको।
थैंक यू आपका। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।